एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशो, और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। तो ये रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं। भारत की संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित पीड़ित शोषितों के भविष्य के लिए, लोकसभा राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, जुड़ करके देश के दोनों सर्वोच्च सदन, लोकतंत्र के मंदिर, वहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मैं आपके साथ मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन भाइयों, इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों, इस बात को समझिए भाइयों बहनों, मैं जरा ये भ्रम फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या हमने आपसे कोई सबूत मांगे थे? 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ, मांगा था? केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, सिख भाई बहनों को मिला, ईसाई भाई बहनों को मिला, जो भी यहां बसते हैं उन सबको मिला। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम देश से लगाव के कारण जीते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को समर्पित है। भाइयों बहनों, अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो,
एक ही सत्र में दो बिल पारित हुए हैं। एक बिल में मैं दिल्ली के 40 लाख लोगों को अधिकार दे रहा हूं और ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाला कानून बना रहा हूं। ये झूठ चलने वाला नहीं है, देश स्वीकार करने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं ये जो झूठ बोलने वाले हैं मैं उनको चुनौती देता हूं, जाइए मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए, कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बू आती है तो देश के सामने ला करके रख दीजिए। हमने मैं एक एक करके आज बताना चाहता हूं दोस्तों, बताऊं ना, पूरा देश मुझे कई दिनों से कह रहा था कुछ बताइए, आज देश को भी मैं बता देता हूं। एक एक योजना को देखिए, जब हमने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, क्या हमने किसी का धर्म पूछा था? क्या हमने उसको 70, 72, 75 के प्रमाण मांगे थे? उनकी जाति पूछी थी? मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस और उसके साथियों से, उसकी तरह देश को बांटने की राजनीति करने वाले उनके साथी दलों से कि आप क्यों देश की जनता से झूठ बोल रहे हो, क्यों उन्हें भड़का रहे हो? भाइयों और बहनों, हमने दिया इतना ही नहीं, आगे भी हमारा संकल्प है कि हर गरीब परिवार को उज्ज्वला का योजना का लाभ पहुंचाएंगे। कोई बाकी नहीं रहेगा। भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों का घर बना दिए। हमने किसी से नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, न जाति पूछी न धर्म पूछा, हमने सिर्फ गरीब की गरीबी को देखा। फिर क्यों पूछ, कुछ लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, और आज जो ये लोग कागज कागज सर्टिफिकेट इसके नाम पर मुस्लिमों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हमने गरीबों की भलाई के लिए इन योजनाओं के लाभार्थी चुनते समय कागजों की बंदी से नहीं लगाई। वरना पहले तो ये होता था कि सरकार की योजना शुरू होने पर लाभार्थियों को तमाम तरह की तिकड़े में लगानी पड़ती थी, यहां वहां चक्कर काटने पड़ते थे। हमने ये संबंध करा दिया, हमने तय किया हर योजना का लाभ हर गरीब को मिलेगा, जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाएगा। उज्ज्वला के लिए, आवास योजना के लिए, मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए सरकार स्वयं सामने से लोगों के झोपड़ी तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया गया। न हमने कभी किसी का धर्म पूछा, न जानने की कोशिश की, न हमने कभी यह पूछा
का मंदिर जाते हैं कि मस्जिद जाते हैं कि गुरुद्वारा जाते हैं कि चर्च जाते हैं, हमने कभी नहीं पूछा। फिर क्यों इस तरह का झूठा आरोप हम पर लगाया जा रहा है? साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आज भारत में चल रही है। इस योजना ने देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित की है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण यहां की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं की, लेकिन जिन राज्यों में ये योजना लागू हुई है वहां लगभग 70 लाख मरीजों का जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा रहे थे, पीड़ा झेल रहे थे, मुसीबतों से गुजारा कर रहे थे, आज इस योजना के कारण इन 70 लाख लोगों का इतने कम समय में इलाज मुफ्त में हो गया। इन लाभार्थियों में सभी संप्रदाय के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी पूजा पद्धति के लोग हैं। इस योजना में तो किसी से नहीं पूछा जा रहा कि पहले आप अपना धर्म बताइए, फिर आपका इलाज शुरू किया जाएगा। फिर ऐसे झूठे आरोप क्यों? इस तरह के आरोपों के बहाने भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश क्यों हो रही है? साथियों, इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। जिस तरह बच्चों की स्कूलों पर हमले हुए, यात्री बसों पर, ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल को, छोटी छोटी दुकानों को जलाया गया है, भारत के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा, उससे बनी सरकारी संपत्ति उसे आग में खाक कर दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी राजनीति कैसी है, इनके इरादे कैसे हैं, यह देश भली भांति समझ चुका है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं पहली बार मैं जीत करके आया, देश की जनता ने मुझे जिता करके बिठाया, तो जो लोग नहीं चाहते थे उनको समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। दोबारा न जीत पाऊं, देश की जनता समर्थन न करे, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए, लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। ये सदमा ये अभी भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये पहले तो आ गया, ये दोबारा कैसे आ गया? और जिस दिन नतीजे आए हैं उसी दिन से ये देश में तूफान खड़े करने की फिराक में है, ये इनके इरादे हैं, और कोशिशें पहले भी की लेकिन लोग साथ नहीं दे रहे हैं, उनका यही हाल होने वाला है। और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं,
अगर मोदी को देश की जनता ने बिठाया, ये आपको अगर पसंद नहीं है, मैं समझ सकता हूं, तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो। आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो, मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। जख्मी कर रहे हैं, मैं जरा इन तूफानियों से पूछना चाहता हूं, इनके आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं, पर्दे के पीछे मुंह छिपाकर खेल खेल रहे लोगों से पूछना चाहता हूं कि पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्या मिलेगा? और इन शरारती तत्व समझ ले, जब पहले भी आपकी सरकार थी ये पुलिस वाले भी आप ही के थे, सरकारें बदलती है, पुलिस वाले किसी के दुश्मन नहीं होते। इस देश को पता नहीं है आजादी के बाद 33,000, ये आंकड़ा बताइए लोगों को, आजादी के बाद 33,000 हमारे पुलिस भाइयों ने शांति और सुरक्षा के लिए शहादत दी है। 33,000 आंकड़ा कम नहीं होता। रक्षा करने के लिए शहीद हुए, और आप बेरहमी से उनको मार रहे हो। जब कोई संकट आता है, कोई मुश्किल आती है, तो पुलिस न धर्म पूछता है, न जाति पूछता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, न ठंड देखता है, न बारिश देखता है, वो आपकी मदद के लिए आके खड़ा हो जाता है। अभी यहां दिल्ली में ही पिछले दिनों जिस मार्केट में आग लगी, मंडी में इतने लोगों की जान गई, उस समय पुलिस किसी का धर्म पूछने नहीं गई थी, आग के अंदर जाकर के जितना जिंदा लोगों को निकाल सके निकालने का काम किया। और आप पुलिस पे हमला कर रहे हो, और देश के नेता 7 साल से पुरानी पार्टी के नेता, उनको हिंदुस्तान क्या है,
उपदेश देना है, लेकिन शांति के लिए दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हिंसा छोड़ने के लिए एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब हिंसा को आपकी मुख्य सहमति है। पुलिसों पर हो रहे हमले, निर्दोषों पर हो रहे हमले, उसको आपकी मौन सहमति है, ये देश देख रहा है। भाइयों बहनों, आप मुझे कल्पना कीजिए, पुलिस का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पुलिस का आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस को हम परेशान करेंगे तो हमारी परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 35,000 पुलिस शहीद हुए, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आइए उन 35,000 शहीद पुलिसों को याद करते हुए मेरे साथ नारा बोलिए, शहीद हो, शहीद हो, अमर रहो, 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 इन सभी शहीद पुलिस आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं अनधिकृत कॉलोनी के लोगों से आग्रह करूंगा, 1700 से ज्यादा कॉलोनी है, यहां हमारी सरकार बनने के बाद शहीदों के श्रद्धांजलि देने वाला एक भव्य स्मारक बनाया है। इन 1700 कॉलोनी के लोग जरूर एक बार वहां जाकर के फूल चढ़ा करके आ जाए। करेंगे आप लोग शहीदों का सम्मान करेंगे, पुलिस का सम्मान करेंगे, इससे भाईचारा बढ़ाएंगे। साथियों, झूठ बेचने वाले, अफवाह फैलाने वाले, इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। ये दो तरह के लोग हैं, ये वो लोग जिनकी राजनीति दशकों तक वोट बैंक पर ही टिकी रही है, भय फैलाकर। थैंक यू भैया, पीछे वालों को दिखता नहीं है, थैंक यू, आपका प्यार सर आंखों पर। मैं कहीं पर भी हूं, दूर वालों की भी तकलीफ समझता हूं। दूसरे वो लोग जिनको इस राजनीति का लाभ मिला है, ये लोग सोचते थे कि खुद ही सरकार है, उनको लगता था कि देश उनके इशारे पर चलता है, ये सोचते थे कि वो जो इतिहास बताएंगे वही सच मान लिया जाएगा, वो जो भविष्य बताएंगे उसको ही भारत का भाग्य मान लिया जाएगा। वोट बैंक की राजनीति करने वाले और खुद को भारत का भाग्य विधाता मानने वाले, आज जब देश की जनता द्वारा नकार दिए गए हैं, तो इन्होंने अपना पुराना हथियार निकाल लिया है। बांटो, भेद करो, भेदभाव करो और राजनीति का उल्लू सीधा करने की कोशिश करो। साथियों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात, एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या?
हमने तो मनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। तो लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और रामलीला मैदान पुरानी दिल्ली के दरियागंज से करीब 1 किलोमीटर दूर, जहां पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, जिसको लेकर मंच से संबोधित करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।